आकाश बनर्जी हैज़ बीन वन ऑफ द फोर यूट्यूबर्स एट वी हैव सीन इन दिस कंट्री आई मीन नॉट विद स्टैंडिंग स्टैंड्स ऑन सेवरल इश्यूज़ वेयर ही हैज क्रिटिसाइज द मोदी गवर्नमेंट अननेसरिट्स अग यूट्यूबर विद अ लार्ज ऑडियंस टू केटर टू उनके व्यूज़ हमें पता ही हैं ऑल थैंक्स टू हिज वीडियोस ऑन सी ए री ए ट्रिपल तलाक आर्टिकल थ्री सेवेंटी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फैक्ट्स पे ही वीडियोस बनाते हैं बट उनका तरीका बड़ा सिंपल है कुछ सेलेक्टेड वेबसाइट्स या फिर यूँ कहें कि लिबरल वेबसाइट्स से कुछ आर्टिकल्स उठाओ उनको फैक्ट्स के रूप में पेश करो एंड देन थोड़ा सा अच्छा एडिटिंग डाल के एक पूरा वीडियो बना डालो ऐसा वो बहुत बार कर चुके हैं और बड़े सक्सेसफुली तरीके से कर चुके हैं और इसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है जब उनको पता ही है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं अगेंस्ट हिंदूज़ और उसके कोई रिपोकशंस नहीं होंगे तो कोई क्यों ना बोलेगा बट बात अब थोड़ी आगे बढ़ गई जब उन्होंने द केरला स्टोरी नाम की मूवी को भी रोस्ट कर दिया हम सबको पता है कि इस मूवी का थीम क्या है इट्स ऑल अबाउट इस्लामिक क्राइम्स बीइंग कमिटेड इन केरला जहां पे ग्रूमिंग गैंग्स हिंदू और बाकी क्रिश्चियन लड़कियों को ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट कर रहे हैं दिस हैज बीन फेयरली डॉक्यूमेंटेड इन द पास बाई सेवरल स्कॉलर्स एंड सेवरल पीपल हैव रेज वॉइसेस अगेंस्ट इट यहाँ तक कि वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वी एस अच्युतानंदन का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन कम होता जा रहा है सी डेमोग्राफिक्स इज़ डेस्टिनी ये लाइन अगर हम अब भी ना समझें तो क्या ही बोलूँ अब मैं खैर अब आकाश बैनर्जी ने जिस तरीके से द केरला स्टोरी का मजाक उड़ाया है वो देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये डेमोग्राफिक इन्वर्जन तो होता ही नहीं है केरला में न केरला आइसिस का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग स्टेट रहा है पिछले कई सालों से दिस हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड बाई सेवरल न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड स्कॉलर्स हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड देयर ये भी सच है कि किस तरह से ये ग्रूमिंग गैंग्स लड़कियों को फोर्स करते हैं कि वो इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया के अनुसार जीवन जियें जी ऐसा सिर्फ केरला में होता है ये कहना गलत होगा ये भारत के और भी कई स्टेट्स में हो रहा है और होता आया है यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स बने हैं जो वहाँ पे क्रिश्चियन गर्ल्स को ब्रेन वॉश कर रहे हैं यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन हैज स्पोकन अबाउट हर गवर्नमेंट विच विल टेक स्ट्रॉग स्टेप्स टू काउंटर दीज ग्रूमिंग गैंग्स हु आर यूजिंग देयर माइनॉरिटी स्टेटस टू एक्सट्रैक्ट मोर प्रवेलेज फॉर देम सेल्स पावर में कौन है इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर ये फंस भी गए तो वही पुराना इस्लामोफोबिया का बहाना तो है ही इनको बचाने के लिए और फिर हमारे देश के लिबरल्स जिनको मैं बेसिकली इस्लामिक टॉयलेट क्लीनर्स कहना पसंद करता हूँ आ जाएंगे अपना वही पुराना स्लोगन लेके कैसे मुस्लिम्स आर इन डेंजर मुस्लिम जेनोसाइड इन इंडिया एट्सीट्रा एट्सट्रा बट इन सब फैक्ट्स पे आकाश बनर्जी फोकस नहीं करते हैं उल्टा वो द केरला स्टोरी को लेके एक बहुत ही कैरिकेचरिश तरीके से अपनी बात को आगे रखते हैं जो दिखाता है कि वो इसे कितना सीरियसली लेते हैं उनके लिए हिंदू कम्युनिटी कभी विक्टिम हो ही नहीं सकता है बिकॉज़ इंडिया में सिर्फ एक कम्युनिटी है जिसके पास विक्टिम हुड की मोनोपोली है चाहे कुछ भी हो जाए विक्टिम तो भैया वो ही हैं और रहेंगे वो इस मूवी को इसके फैक्ट्स के मेरिट पे जज नहीं करते हैं बल्कि इसको जोड़ देते हैं विद द फैक्ट कि अब तो बीजेपी पावर में हैं और इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो इसलिए ये सारी मूवीज़ बनाई जा रही हैं अब मुझे कोई बताए कि ये एनालिसिस कहाँ तक सही है रिव्यूज़ की भी माने तो ये मूवी की मेकिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है बट जो दिखाया गया है वो इतना ही अनफिल्टर्ड है कि उसको देखते टाइम आप अनकंफर्टेबल अनुभव करेंगे बट कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स असाइड आकाश बैनर्जी इस बात पे फोकस करते रहते हैं कि देखो मूवी मेकर्स ने प्रोपोगेंडा के लिए ट्रेलर में दिखाया था कि बत्तीस हज़ार लड़कियों के साथ ये हुआ और बाद में कोर्ट में जाके बोल दिया कि नहीं जी ये तो सिर्फ चार लड़कियों की लाइफ के ऊपर बेस्ड है हमारे लिबरल्स यही गलती करते रहते हैं बार बार ये वही लोग हैं जो इंडिया को लिंचिस्तान बोलने लगे थे वे बैक इन 2015 एंड 2016 जस्ट बिकॉज 10 से 15 मॉब लिंचिंग केसेस आए थे उसमें भी कई केसेस में तो वो फेक पाया गया था बाद में अब उनका लॉजिक इनके ऊपर ही लगाए तो भैया हमें तो लोग संघी मोदी भक्त फैसिस्ट एनेबलर जैसे टैक्स दे देंगे खैर ये लोग अपनी मुस्लिम्स और विक्टिम्स के माइंडसेट से कभी बाहर नहीं आएंगे ये बात तो साफ़ है अब देखना ये है कि क्या हिंदू समाज की उसके साथ क्या हो रहा है क्या वो समझेगा कि ये फेक सेक्युलरिज्म के नाम पे कैसे हिंदू समाज को सालों से बेवकूफ़ बनाया गया है अगर इसका उत्तर हाँ है तो ये एक अच्छी बात होगी बट अगर इसका जवाब ना है तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ